सभा मत विनोद के बारे में। आज जो है ना, मैं सभा मत का सारा राज फाश करने जा रहा हूँ। क्या हुआ? वो नीचे गिर रही थी। अच्छा, तो बात असल में ये है, सभा बार बार कह रही है अहमद को कि आप दूसरी शादी कर लो। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बहन भैया, क्या हाल है? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, जा रहे हैं, खुश रहे, आबाद रहे, हंसते मुस्कुराते रहे, अलहमदिल्ला सभी ठीक हैं। अब भी रवाना थे रहे हैं वालों के घर से हम मिलाद पे, क्योंकि वहाँ पर सभा इरफान वालों के यहाँ मिलाद है। सब लोगों को जो है ना इन्वाइट किया हुआ है, पूरे ख़ानदान को, पूरे टबरे को चैलेंज है, ये मतलब इन्वाइट है। तो अभी हम रवाना हो रहे हैं पूरी फैमिली के साथ, तो रेडी हो चुके हैं, कौशल भी साथ है, और वो नहीं, मैं नहीं साथ नहीं है, दूर दूर तक खड़ी हो मुझसे। अच्छा, तो आप ना मेरा साथ दोगी यहाँ जाते जाते? हाँ। अच्छा, ऐसा करना, जब मैं थक जाऊँ तो मुझे कांधे पे उठा लेना, जब मिठू थक जाए तो मिठू को। बस आप साकिब को उठाना, ये काफी है। ओए साकिब पुत्र। अच्छा, वो मामी जान भी रेडी है? आ जाए फिर चले, धूप भी है, गर्मी भी है, पैदल जाना कोई गधा सवारी नहीं है। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। चलेंगे, अभी किसका इंतजार है? चले रेडी हो रहे हैं। हर बार लेट, हर जगह, हर बार हमारे ढिल्ले फैमिली लेट होती है। नहीं, उसको क्यों इधर बिठाया हुआ है? ध्यान रखना है, बोलो नीचे जंप लगा देगा। आप जा रहे हो हमसे पहले? अच्छा, तो अभी ना उठते खबर आई है, हवाओं से खबर आई है, देखे जो है ना वो पहुंच चुकी है, चावल जो है ना वो रेडी है, चावल चावल जो है हम सब जो है ना, और अभी जा रहे हैं पेट को पकड़ के। सुबह मैंने अच्छा काम किया ना, मैंने सुबह नाश्ता नहीं किया। और बोला उसके बाद हमें बेखबर भी मिली अपने मौलिया के खिलाफ भी शाम को देंगे। आज ना हर तरफ से देंगे, सवेरे से लेकर शाम तक चावल खाएंगे मजे। मैं जरा करीब आ जाऊं। हर तरफ से देखे ही देखे, सुबह से खाओ शाम तक पेट नहीं भरेगा। शाम को भी है ना इंतजाम, मैंने अभी अभी सुना है। चले अभी निकल चुके हैं घर से, मसला से अपना सामान जो ना अपने रेडी कर लिया, सारा कुछ ले लिया बच्चे के लिए। तो यहाँ से हम जाएंगे वहाँ पटरी क्रॉस करके, उनके बाद उधर उस वाली साइड पटरी के पार जो है ना वहाँ पर जाना है। मामू ने बोला कि आप हमारे साथ चले, मैंने बोला कि वो नाराज ना हो जाए। हाँ, वो कोई इशू नहीं, आप चले भी जाते, छोटा बेबी है गर्मी में, ऐसे मुझसे पूछ, हाँ मुझसे पूछ लेते तो मैं आपको भेज देता। चलो नहीं, ये भी आ चुके हैं, नए बाल हैं यहाँ, इनको भी हमने सहारा देना है, क्योंकि चावल जिसको नहीं मिलने उनको भी हमने लेके देने हैं, हो सकता है। हाँ जी, अलहमदिल्ला मैं जो है ना बड़ा शौकीन हूँ चावलों का, तो मुझे ना बहुत अच्छे लगते हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं चाहे भूखा रहूँ, बे बंदे जो है ना वो रख के खाए। तो अभी मैं हूँ ही खाने वाला बंदा यार, मैं खाने वाला हूँ, इसलिए नाश्ता नहीं किया। हाँ जी,
मुझे पता था आज ना कोई हवा आ रहे थे। अच्छा तो लेट्स गो 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 लेट्स गो जी। ओए चलो यार मैं आपको बड़े आगे पीछे छोटे यार बड़े आगे चांदी दे छल्ले हन मुदरियां दे संगरले चांदी दे ओए ओए छल्ले चांदी दे छल्ले हन मोण चम ते दे वाले होण चम है तेरी बल्ले। नहीं मुझे सॉन्ग नहीं आते, मुझे तो सॉन्ग नहीं आते, बट वो एक है तेरे सदके थे वहां तू जगते जीवे मैं जीवा ना जीवा। मुझे वो वाला आता बस थोड़ा सा, ब्याह गुते भी नहीं आता। ये गलियां जो है ना देख ले कैसा माहौल है, रास्ता चेक करो यार। ऐसे रास्तों से मुझे बहुत मजा आता है टपने का, अपने का मजा आता है मुझे। ऐसे रास्तों से कच्चे गलियां हो माहौल हो देहाती माहौल जाना आए आए कोई जवाब ही नहीं है। तो मेरे पीछे जो है ना और भी लोग हैं, उनको भी चांस देना पड़ेगा। तो इससे ज़्यादा मैं जो है ना ये ऐसे 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 भाग भाग के ना ऐसे आगे निकल जाऊंगा। ये देखो निकल जाओ आप, अभी मैं आ गया हूँ आगे। और यहाँ पर मैं क्यों आगे आगे भाग रहा हूँ, बड़ा जंगल है आगे, क्योंकि वो जंगल आ रहा है ना, तो यहाँ भले ही ना खा जाए इनको, इसलिए मुझे कौसर का डर है। तो यहाँ पे भले ही होती है, ये जंगल है बहुत बड़ा, इसलिए मैं भाग के आया हूँ। हाँ बेटा भी है, बेटा तो मेरी जान है, मेरे अंदर बसता है। बाकी कौसर ना रहे तो फिर हम क्यों करेंगे, ये भी तो सोचना है ना, हम दोनों बाप बेटे रोल जाएंगे। रास्ते चेक करो आप, इधर शेरनी, हाय हाय ये बड़ा अच्छा नाइस नेम है। आपका पीछे ढोल का बज रहा है नहीं, आप उठा के बजाते रहो ना, आगे ध्यान से सारे कंडे हैं, इधर देखें बड़ा बड़ा सा जंगल। शुक्र है ये अल्हम्दुलिल्लाह, ये शुक्र की बात है कि इनमें से ना रास्ता बना हुआ है। और अरे मैं तो समझा था हमें ना इन दरख्तों के ऊपर से चढ़ के जाना होगा, लेकिन ओ कांटा चुभ गया क्या, मेरे पाँव में कांटा चुभ रहा था, बच गया। चलन जी पटरियाँ भी आ चुकी हैं। ओ परला माहौल जो है ना, बड़े बड़े बिल्डिंग और वो एमएल वाला, उस साइड पे हमने जाना है। तो चलो चलो कल हो का चलो भाग के भाग के भाग के, हाँ लेट्स गो वाह यार, ये पुरानी यादें पड़ी हुई हैं। तंदूर भी पड़ा हुआ है, लोग यहाँ पे कोई नहीं आ रहा है इस खत्ता में, तंदूर जो है ना उनका अभी भी। अच्छा किस चीज की टिकट, ये वाली इधर मैं बैठूं क्यों, मैंने मरना है इधर बैठ के। ये पास में पटड़ी है, हमारे छोटे 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 बच्चे हैं यार, मैं थे अकेला क्या करूंगा, मेरे पीछे खानदान है, मेरा माँ बाप है पीछे, क्या मैं उन्हें को कला छोड़ दूं। चलें जी हाँ पटड़ियाँ लंघाओ, जो बंदा ना चढ़ पाए ना उसको उठा के बाहर फेंको। चलें जी ये मंजिल भी क्रॉस कर ले, अगले मंजिल की हम जाने बढ़ रहे हैं, वो भी बहुत करीब है। यहाँ से जो है ना शॉर्टकट रास्ता ये बहुत आसान है, लेकिन हम उधर से आते हैं ना वो ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है।
जैसे भी जाना है डिस्कस कर लो, अपना डिसाइड कर लो जैसे जाना हो। बाकी घर जो है ना वो मैं आपको बता दूँ बहुत ही पास है, जहाँ पर खुशबू भी आ रही है चावलों की अल्हम्दुलिल्लाह, तो नंबरदार हवा सिंगिया करो यार, हवा सिंगिया करो, ऐसे जहाँ से भी खुशबू आए। ओ तेरी। अच्छा आज ना मैं आपको बताना चाहता था, नंबरदार ने प्लान बनाया कि मैं और नंबरदार दो जगह हैं, एक मैं उठाऊंगा, एक जो है ना नंबरदार उठाएगा, दोनों उठा के ना भाग जाएंगे इनके घर में, वहाँ पे खा पी के ना सुकून से। खैर तो चलो मैं साकिब को उठा लूँ, थोड़ा सा सफ़र बाकी है, आपको भी रेस्ट देनी चाहिए। फाइनली वे बाद यहाँ पे पहुँच चुके हैं जहाँ पे हमने आना था, सब लोग जो है ना यहाँ पर हमारे इस्तकबाल के लिए खड़े हैं, बच्चे हैं बड़े नहीं हैं, हमारे इतने इज्जत है अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चे वेलकम करने के लिए भी हाँ सर खड़े हैं, वाले तो यहाँ पर जो है ना ये चेक करें, बख्तावर है, बेबी है, वो शाहजेब है, और अवेश है, जैनब है, करीम बेबी है, सब जो है ना यहाँ पे मौजूद हैं। और हमारी जो टीम थी ना ये है, कौशल है, सिद्रा है, मोहसिन है, और वो जो है ना हमारे पीछे बड़े जो है ना बड़े हमारे पीछे रह गए हैं, वो आ चुके हैं, अभी वो दाखिल होंगे सबसे पहले, तो फिर हम जाएंगे, ऐसे नहीं जाए। ओ गर्मी से देखो अभी अभी चिट्ठियाँ फट रही हैं, देखे क्यों रुक गए, कोई नहीं आया, क्या मतलब हम तो आ चुके हैं, बस चलो हम ही दे रहे हो दो देंगे। चले जी इंटर हो रहे हैं अंदर, हाँ सब को चढ़ा के ना फिर हम जाएंगे, हम जाएंगे चले जी, वो भी चले गए, मैं ना हम चलते मुखले साहब को भी अंदर भेज के फिर जाऊंगा, चले जी वो भी चले गए। अब है मेरी बारी, यहाँ पर जो है ना चलते हैं देखते हैं यहाँ पर क्या माहौल है, क्या सीन है, मेहमान जो है ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर जी सब लोग जमा हैं, इधर भी है उधर भी है, कोई उधर छांव पे बैठा है, कोई इधर, आसार नजर आए अल्लाह के रहमत के, मंजर हो गया पैसे अल्फाज नहीं मिलते, मंजर हो गया पैसे अल्फाज नहीं मिलते, जिस वक्त मुहम्मद का दरबार नजर आए, जिस वक्त मुहम्मद का दरबार नजर आए, बस याद सीने से लगी जा
मैं हंजवां दी तस्बीह कीती डाके रोज मुसल्ला नात नबी दी पढ़दियाँ पढ़दियाँ मिल गया मैनू अल्लाह। मैं हाँ आशिक उस नबी दा जिस दा कोई निशानी प्यार है बीबी आमना दा ते रब दे दिल दा जानी। एक रात च जिसने वेख्या रब दा अरश मुअल्ला एक रात च जिसने वेख्या रब दा अरश मुअल्ला नात नबी दी पढ़दियाँ पढ़दियाँ मिल गया मैनू अल्लाह। नात नबी दी पढ़दियाँ पढ़दियाँ मिल गया मैनू अल्लाह। जुमला गायो थावां जिथे सोने लाइयां तलियां हंजवां दे नल दोतियां ने मैं अज अखियां दियां गलियां। सादिक कलमे नाल मकीता सादिक कलमे नाल मकीता दिल दा पाक मोहल्ला नात नबी दी पढ़दियाँ पढ़दियाँ मिल गया मैनू अल्लाह। चावल जो है ना वो आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ खैर दे भी हो गई है, तो छोले वाले चावल है जिसने भी खाना आ जाए सब लोगों को मिल गए हैं। ये देखें सब ने अपने अपने प्लेटें रखी हुई हैं, बांटने वाले बांट रहे हैं, तो ये ना बिस्मिल्लाह करके खाते हैं, खा पी के ना इंशाल्लाह फिर आपसे मिलते हैं, क्योंकि अपना पेट डाल लें फिर दूसरों की खबर रखेंगे इंशाल्लाह। मिलाद पर आए थे, मिलाद जो है ना वो ख़त्म हो चुका है, अभी चाय पानी का जो इंतज़ाम हो रहा है, तो मैं सबसे दूर सबसे बाहर आ चुका हूँ, एक खुफिया राज खुफिया बात आपसे शेयर करने, और वो है सबा अहमद व्लॉग के बारे में। आज जो है ना मैं सबा अहमद का सारा राज पास करने जा रहा हूँ। क्या हुआ? वो नीचे गिर रही थी। अच्छा, तो बात असल में ये है, सबा बार बार कह रही है अहमद को कि आप दूसरी शादी कर लो दूसरी शादी कर लो। उसका आखिर मकसद क्या है, मसला क्या है, वो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि सबा के अंदर जो है ना कोई जन्नात की निशानी है, जो कि वो ऐसा कर रही है, उसके ज़हनी तवाज़ुन जो है ना वो आजकल दुरुस्त नहीं है। बहुत बड़ा राज जो है ना मैं फाश करने जा रहा हूँ आज, उनकी जो है ना जल्द ही शादी वाला सेटअप जो है ना वो आने वाला है सामने, और ये रियल हकीकत बात है कि शायद अहमद दूसरी शादी के लिए मान जाए हाँ कर दे, ये भी कोई पता नहीं है। सबा जो है ना उसको बार बार फोर्स कर रही है इस बात पर कि शादी कर लो अब डेली, जो है ना हमें भी ये सुनने में आ रहा है अहमद जो है ना जल्द ही शादी करने वाला है। हाँ ये देखे ना कि उसको वो दूसरा मसला भी है। हाँ वो जिन्नात वाला तो ज़हनी तवाज़ुन जो है ना उस पर असर हो रहा है जिन्नात की वजह से, पता नहीं क्या बात है। सबा जो है ना एकदम से छिड़छिड़ी बन गई है, ना किसी के सुनती है ना मानती है। जब उसको वो आते हैं ना तो उसकी आंखें ऐसे हो जाती है, इतनी बड़ी बड़ी हो जाती हैं और लाल लाल हो जाती हैं, फिर उसको ऐसे फ़ौरन कहती है कि अहमद चले अहमद शादी कर लें, वो ऐसा बोलती रहती है, पता नहीं क्या हो गया। तो हम तो यही सोचते रहते हैं कि इसको हो क्या गया, अचानक से देखें कोई बीवी ऐसा कर सकती है कि शौहर की दूसरी शादी कराए, उसको कोई ज़हनी कोई मसला बन गया तो वो ऐसा कभी मुआशरे में ना हमने सुना है ना देखा है, एक बीवी अपने शौहर को बोल रही है आप दूसरी शादी करके ले आओ और बीवी ले आओ, ये पहली बार हम देख रहे हैं सुन रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उसके माइंड में ना कुछ ऐसी अलामत है, ऐसी निशानी है जो कि उसको तंग कर रही है। और ये हकीकत बात है, जब भी सबा रोती है ना उसकी आंखें बाहर आ जाती हैं और ऐसे चेहरा लाल बिल्कुल लाल हो जाता है, देखने में ऐसे अजीब सी लगती है वो।
हाँ वो आँखों से देखा है, वो अजीब से हो जाती है, उसका चेहरा, उसकी आँखें, उसकी शक्ल, ऐसा लगता है जैसे कि सच में उसके वो बन गई है। हाँ, एक जिन्नात जो है ना, जिन्नात का असर होता है तो जाहिर सी बात है इंसान बिगड़ जाता है। तो ये हमें सुनने में आया कि उस पर कोई असरात है, तो लिहाजा हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द ये हकीकत सामने लाए और देखते हैं आगे आगे क्या होता है, क्या अहमद जो है ना वो आप क्या करने वाले हैं, सभा को छोड़ देंगे या दूसरी शादी कर लेंगे, ये भी डिसाइड नहीं किया अभी उन्होंने। तो अभी हम इस मसले में ना उलझे हुए हैं। हाँ, मामू अहमद तो परेशान है, हो गए हैं, वो बोलते हैं कि पता नहीं क्या हो गया सभा को, मैं तो हर वक्त सोचता ही रहता हूँ कि मैं दूसरी शादी करूँगा, अगर ये इसका मसला जो है ना, ये मसला सेट हो जाएगा फिर भी वो झगड़ा करेगी, फिर भी वो बोलेगी कि आपने दूसरी शादी क्यों की, वो अभी खुद बोल रही है, फिर बोलेगी कि आपने दूसरी शादी क्यों की। वो बस अल्लाह जाने उनके राज, क्या अल्लाह पाक ही जानता है सबके दिलों के राज। हाँ जी, जो हकीकत थी हमने हकीकत बता दी है, क्योंकि हम इधर रहते हैं, हमारी आँखों के सामने है सब कुछ, इसलिए हमने आज वीडियो में शेयर कर दिया, क्योंकि वो खुद भी वीडियो देखने लगा रहे हैं, खुद भी दिखा रहे हैं सब कुछ, और दूसरे मामू ने भी सब कुछ राज बताया है, जो दूसरे मामू ने राज बताया वो भी सच है, जो आज हम बता रहे हैं ये भी बिल्कुल सच है। क्या ये शादी होगी कि नहीं होगी, ये यकीनन बात हमें पता नहीं है जी। बाकी जो हमारे सामने आँखों के सामने हाल हवाल हैं वो हमने बता दिए हैं। सभा जो है ना आस्ता आस्ता बिगड़ते जा रही है। आज एक खसूसी वजह मैं आपको बताऊं कि वो मिलाद पर भी क्यों नहीं है, हो सकता है कि सभा की तबीयत जो है ना स्टैंड कंडीशन उसकी, वो नानी जान आई थी, मैंने उनसे पूछा है, वो बोल रही थी कि सभा की तबीयत ठीक नहीं है, तो जो ही अभी जो बताया है ना, तो उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो सोई हुई थी, तो इसलिए उनके एक बच्चा जो है वो स्कूल में होता है और दूसरा बच्चा जो है छोटा उनके साथ था। नानी और नाना जान आए थे, अभी मामू अहमद इधर बच्चों को लेने गया था स्कूल, अभी नानी नाना को लेके चले गए घर, उधर जो है ना वो बेचारी बस उनके लिए ही दुआ करना है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, बस उनकी तबीयत ठीक हो जाए, अल्लाह पाक सारे मसले सुलझा दे, हम तो दुआ करते हैं। बाकी ये था आज का हाल अहवाल, इंशाल्लाह नेक्स्ट भी आपको खबर करते रहेंगे जो भी बात हुई।